गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 14 जून और मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं या हिंदी बैकग्राउंड के हैं, वो भी समझ पाएँ। एडिटोरियल हमारा द नेक्स्ट स्टेप यानी कि अगला कदम। अभी क्या हुआ था कि मणिपुर में दंगे हो रहे थे, तो उनको मैटर को पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए इसने कमेटी का गठन किया गया इनकी सरकार में, मतलब जो बरिन राव हैं उनकी सरकार में। अब हुआ क्या कि जो कमेटी के मेंबर थे उन लोगों ने मना कर दिया कि आपने हमसे कंसल्ट तो किया नहीं, अपने उसमें कमेटी में कैसे जोड़ दिया। तो अब अगला कदम क्या होगा, जो मैटर उसमें फैला हुआ है, लोग बेघर हो गए हैं, उनको घर पर लौटाने के लिए, मैटर को शांत करने के लिए अब अगला कदम क्या होगा, देख रहे हैं। इसका सबटाइटल क्या कहता है, एथनेसाइजेशन यानी कि जातीय तौर पर पुअर गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस बेकार, प्रशासन जो है वो बेकार है, यानी कि प्रशासनात्मक क्रियाएं जितनी हो रही हैं वो बेकार हैं, पुअर गवर्नेंस उसको बोलते हैं। आर स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ा रहे हैं, ब्लॉक टू पीस इन द मणिपुर, इन मणिपुर कि स्टम्बलिंग यानी कि एक रोड़ा बन गया है पीस लाने के लिए, कहाँ पर, मणिपुर में। जातीय और खराब प्रशासन मणिपुर में शांति बनाने के लिए एक रोड़ा बना हुआ है, क्या जातीय तौर पर यानी कि एथनिक ग्रुप बोल सकते हैं हम, और पुअर गवर्नेंस, ये दोनों ही क्या है, स्टम्बलिंग है, लड़खड़ा रहे हैं, ये रोड़ा बन गए, ब्लॉक बन गए इन द पीस ऑफ मणिपुर यानी मणिपुर की शांति में। समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं बुकैब, बुकैब के बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है हमारा एथनिसाइजेशन, क्या होता है, द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग मेकिंग बिकम एथनिक यानी कि एथनिक बनाने की प्रक्रिया। अब एथनिक क्या होता है कि माइनॉरिटी के ग्रुप होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनको हम एथनिक बोलते हैं, ठीक है, या जातीय बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड है स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाना होता है या भूल चूक होता है, अन इंटेंशनल बट एम्बेरिशिंग ब्लंडर कि इच्छा तो नहीं थी करने की लेकिन फिर भी पता नहीं कैसी कोई गलती हो गई, बड़ी गलती, उसको हम स्टम्बलिंग बोल सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। इसकी पीडीएफ जो है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। आफ्टर मैथ बहुत अच्छा वर्ड है और हमेशा पूछा जाता है, और इसका मतलब होता है परिणाम यानी कंसिक्वेंसेज ऑफ एन इवेंट यानी कि किसी भी इवेंट का रिजल्ट। रिट्रेस का मतलब होता है सुधार होता है, उपाय होता है, ठीक है, रेमेडी बोल सकते हैं या करेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। वनटन का मतलब होता है आवारा, निरर्थक, समय बर्बाद करना भी बोल सकते हो, बिहेव एक्सट्रीमली क्रूअल भी हो सकता है, ठीक है। ब्लॉकेड्स का मतलब होता है घेर लेना, नाकेबंदी करना, बैरिकेड, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, ये क्या है सब सिनोनिम है। टैम्पिंग का मतलब ठूस ठूस कर किसी चीज़ को भरना होता है, प्रेस डाउन टाइटली या टैम्प डाउन बोल सकते हैं आप सिनोनिम के फॉर्म में। एम्बर का मतलब अंगार होता है, हॉट फ्रैगमेंट ऑफ वुड यानी कि जो कोयला होता है ना छोटा सा, और कोल जिसको बोलते हैं यानी कोयला जो होता है जलता हुआ उसको एम्बर बोलते हैं। डेट इज लेफ्ट फ्रॉम द फायर, जो बचा कुचा आग होती है ना, आग से जल जब जलती है तो बची कुची जो राख होती है उसमें आग जल रही होती है उसको एम्बर बोल सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है आग, प्रज्वलन, वेरी इंटेंस अनकंट्रोल फायर जिसको बोलते हैं। अर्चन का मतलब आग लगाना या आग लगाने का अपराध करना, मैलिशियस बर्निंग, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना। एंटेल का मतलब के लिए आवश्यक होना या के बारे में होना, हैव अ लॉजिकल कंसिक्वेंस या किसी का रिजल्ट होना लेकिन लॉजिकल होना। बैटर का मतलब तोड़फोड़ करने से है, मारने से है, स्ट्राइक वायलेंटली रिपीटेडली बार बार तोड़ना, नुकसान करना, वो सब। स्नैक का मतलब कठिनाई होता है, बाधा होता है, हिच इसको बोल सकते हैं, हैंगअप भी बोल सकते हो। ट्रांसेंड का मतलब आगे जाना यानी कि से बढ़कर होना, बेटर होना, बी सुपीरियर बोल सकते हैं आप। रैंकअप का मतलब याद दिलाना होता है, उभारना होता है, ब्रिंग टू लाइट होता है। ईजीज का मतलब संरक्षण होता है, बचाव होता है, प्रोटेक्शन होता है, या फिर हम ब्रिज प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये थी बुकैब, और इस बुकैब को, बुकैब की पीडीएफ जरूर ले रहे हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ पाएँ, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे देखो, मैंने फिर से पैरा जंबल लिया हुआ है, इसको अरेंज करना है। कल का जो क्वेश्चन देखो, कल जो आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ख़राब चल रहा था, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, आज जाके सेट हुआ है कहीं, तो जाके मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो भी मिल जाएगी जो मैं कल का रह गया था 13 तारीख का, वो भी एडिटोरियल दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, पेशेंस रखना। बट अब देखिए,
व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस, कंडेंस का मतलब किसी चीज़ का पिघलना, इनटू ए प्रीसिपिटेशन मतलब बारिश में बूंदों में बदलना किसी चीज़ का, ठीक है, या भाप का, इट रिजल्ट्स इन हैवियर रेन। अगर मान लीजिए वेपर है यानी कि भाप जो है कंडेंस होकर के पानी की बूंदों में बदलती है तो भारी बारिश होती है, और इफ़ इट इज कोल्ड अगर ये बर्फ ठंडी हो या भाप ठंडी हो तो हैवी है या हैवियर स्नोफॉल हो जाता है, ठीक है, यानी कि बर्फबारी होती है। क्लियर है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर वेपराइजेशन हो यानी कि वेपर हो भाप हो तो उससे बारिश होती है। तो सिंपल सी अगर इस लाइन में ये बोला गया तो हम लाइन पढ़ के ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें शुरुआत हुई होगी, पानी कहाँ से जाता है और उसकी वेपर कैसे बनता है, तो वो चीज़ हमें पहले पढ़नी होगी और उन्हीं सेंटेंस को लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश की बात की है तो बारिश का प्रोसेस कैसे हुआ, कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, तालाबों से नदियों से पानी उड़ के गया होगा, वेपर बनी होगी तभी तो हुआ होगा, तो ये सोचने वाली बात है। तो आप देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। द एटमोसफियर कैन स्टोर द एडिशनल 4% वाटर वेपर फॉर द एवरी एडिशनल 1 फॉरेनहाइट ऑफ वार्मिंग, ठीक है, पानी गर्म होता है 1 फॉरेनहाइट तो 4% एक्स्ट्रा वाटर वेपर रखता है वो। मोर वाटर एवेपोरेट फ्रॉम सॉइल प्लांट्स लेक एंड सीज एज द एटमोसफियर वार्म। आ गया वही चीज़ों में बता रहा था अभी, यानी कि कहाँ कहाँ से मिट्टी से प्लांट से लेक से झीलों से समुद्र से क्या होता है एटमोसफियर में पानी पहुँचता है एवेपोरेट के जरिए। वन ऑफ द मोस्ट ओबियस इंडिकेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। इनका ही सबसे बड़ा कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज होता है वही दर्शाता है हैवी रेनफॉल के लिए। अब देखो मैंने अब तक पढ़ के एक्सप्लेन किया है, अगर एक्सप्लेन कर दिया तो आप तब भी आप आसानी से कर सकते हो। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ पैरा एग्जांपल हो तो उनकी ट्रिक्स बेस पे हम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा। अगर यहाँ से देखिए, वन ऑफ द मोस्ट ओबियस इंडिकेशन, जो इंडिकेशन मतलब दर्शाता है, ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ए हैवियर रेनफॉल। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बारिश की बात तो यहीं से शुरू हुई है ना, और किसी में नहीं हुई है। फिर तो ये बोला गया है कि बारिश होती कैसे, उसका प्रोसेस बताया गया है, तो डी को तो सबसे पहले रखेंगे और डी सबसे पहले एक ही पार्ट में है, ठीक है, पहला पार्ट ही हो गया। डी के बाद सी बोला है, सी देखो मोर वाटर एवोपरेट फ्रॉम सॉइल, ज़्यादा पानी एवोपरेट कहाँ से होता है, सॉइल से होता है, प्लांट से होता है, लेक से होता है, सी से होता है, एंड एज द एटमोसफियर वार्म, जब वातावरण गर्म होता है तो इनसे एवोपरेट होकर पानी ऊपर जाता है। तो एक के बाद सी आ गया। सी के बाद अब देखिए बी, एटमोसफियर कैन स्टोर कर सकता है 4% वाटर वेपर मोर, ठीक है, 1 फॉरेनहाइट जब पानी एटमोसफियर गर्म होता है तब, ठीक है। तो आपका अब ये दूसरा नंबर हो गया और ये थर्ड नंबर हो गया, तो जाहिर सी है तो फोर नंबर तो ये बचेगा ही। सीक्वेंस और सी मतलब मीनिंग भी मीनिंगफुल निकलते हुए जा रहा है, वैसा नहीं गड़बड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी मीनिंग ये फिर सेंस के अकॉर्डिंग अब आंसर लगाओ तो सेकंड नंबर लगेगा। क्लियर है, कैसे समझ में आया ना, थोड़ा सा हो सकता है इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दी है। अगर एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे करोगे तब भी कर पाओगे, जब कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको ट्रिक भी एक्सप्लेन करूँगा। अब चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। द नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था, यानी सरकार का क्या होगा ताकि वहाँ पर मणिपुर में शांति बनाई जा सके। आगे है एथनाइजेशन एंड पुअर गवर्नेंस आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक टू पीस इन द मणिपुर। मणिपुर में पीस में पुअर गवर्नेंस और एथनाइजेशन क्या है, एक रोड़ा बने हुए हैं शांति के लिए। ओके, अब देख लेते हैं पैराग्राफ को, मैं पहले हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और मैं हाईलाइट करके सेंटेंस वाइज समझा देता हूँ आपको। देखिए ये क्या कहना चाहता है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब जब किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आफ्टरमैथ मतलब रिजल्ट, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कन्फ्लिक्ट के बाद जो रिजल्ट हुआ, आर रिटर्न टू नॉर्मलसी, नॉर्मलसी मतलब सामान्यता, मस्ट बी नेसेसरी कि झगड़ा होने के बाद नॉर्मलसी आना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। बेसिस टू एड्रेस द ग्रीवांसेस, किसके बेसिस पर, जब हम शिकायत, ग्रीवांसेस का मतलब होता है शिकायत को सुनना, एड्रेस का मतलब होता है ध्यान देना उस पर, जब एड्रेस कर रहे थे ग्रीवांसेस को ऑफ द अफेक्टेड पार्टी, जिनको नुकसान हुआ था, डेट लेड टू द कन्फ्लिक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, जिन्होंने पहली बार में क्या किया, वो आगे बढ़ रहे थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए लेकिन फिर उनको नुकसान हुआ, फिर उनको क्या एड्रेस किया जा रहा है उनकी सारी समस्याओं को कि आखिरकार तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे कि लड़ाई झगड़े हों, ठीक है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस,
कोई भी किसी भी सिचुएशन का कंसिक्वेंसेज ही आफ्टर मैथ कहलाता है। ठीक है, अभी मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ पाओगे। देर कैन नॉट बी एनी रीड्रेस, रीड्रेस का मतलब किसी चीज़ का सुधार या उपाय नहीं हो सकता। वैन ग्रुप्स एंगेज इन बैंटन, जब ग्रुप जो होते हैं किसी भी समस्या में उल्टा सीधा बिहेव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो किसी समस्या का रीड्रेस नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता। एंड टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट ईच अदर, और अगर आप टारगेट कर रहे हो वायलेंस को, हिंसा को, एक दूसरे के प्रति, तब भी सुधार नहीं किया जा सकता। यूज ब्लॉकेट्स टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई, कि नाकाबंदी कर देते हो, प्रिवेंट रोक देते हो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑफ सप्लाई, जो जैसे मान लें नेसेसरी चीज़ की सप्लाई होती है ना ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो उनको रोक देते हो। एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट द डिस्प्लेस्ड, और लगातार प्रिवेंट मतलब रोकते हो डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम गेटिंग बैक टू देयर होम, जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, लोग दूर दूर जा चुके हैं अपने घर से, उन लोगों को आप रोक देते हो घर पर आने के लिए, उनको घर पर आने नहीं देते हो, तो क्या रिड्रेस किया जा सकता है सिचुएशन को? नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो। ठीक है, अभी सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये छोटा सेंटेंस है, आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, रिटर्न टू नॉर्मलसी, जब हम नॉर्मलसी लेके आते हैं, इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रीवांसेज आर हार्ड टू प्रिवेंट अनदर कन्फ्लिक्ट फ्रॉम इमर्जिंग, कि कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी जो कन्फ्लिक्ट है उसको उभरने से, इमर्जिंग के मतलब उभरने से पहले हमें रोकना चाहिए उसको। कैसे रोकेंगे? कि ग्रीवांसेज आर हार्ड, कि उनकी शिकायतें सुने, उनकी समस्या को सुना जाए। ठीक, रिटर्न टू नॉर्मलसी टू द फर्स्ट स्टेप, अगर आप पहले कदम में ही नॉर्मलसी लाना चाहते हो, शांति बनाना चाहते हो, तो पहले आप क्या करें, ग्रीवांसेज आर हार्ड, शिकायतें सुने ताकि रोकी जा सकें, अनदर कन्फ्लिक्ट, कि दूसरा कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ठीक है, उन्हें रोका जा सके। पहले क्या करना होगा, आपको शिकायतें उनकी सुननी होंगी, जो समस्याएं हैं उनको समझनी होंगी और उसको सुलझानी होगी, तभी दूसरे जो कन्फ्लिक्ट होने से रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहना चाहता है, एंड इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, इफेक्ट एंड फर्स्ट स्टेप, इफेक्ट द फर्स्ट स्टेप, कि फर्स्ट स्टेप का क्या हो सके, इफेक्ट हो सके। पीस टॉक बिटवीन एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव, एमिनेंट का मतलब जो रेस्पेक्टेड और वेल नोन पर्सन होते हैं उसको एमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, उनमें जब रिप्रेजेंटेटिव में पीस की टॉक की जाए, बातचीत की जाए दोनों ग्रुप में, फ्रॉम सिविल सोसाइटी के लोग हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, ठीक है, उस कमेटी में, या फिर जब उन रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में, या रिप्रेजेंटेटिव जो भी आए वो सिविल सोसाइटी से, यानी आम लोग भी हों और पॉलिटिकल लीडर भी हों, ठीक है, दोनों पार्टियों को होने चाहिए जिनमें युद्ध चल रहा है या फिर लड़ाई चल रही है। इन द कन्फ्लिक्ट एंड टैम्पिंग डाउन, जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट में टैम्पिंग डाउन मतलब किसी चीज़ को प्रेस करना, दबाना, बाई एनी एम्बर ऑफ वायलेंस डेट माइट कंटिन्यू फॉलोइंग द कन्फ्लिग्रेशन आर मस्ट, कि अगर हम किसी भी कन्फ्लिक्ट को हम दबाएंगे, ठीक है, उनके एम्बर, मैंगर मतलब जो चिंगारी अंदर भड़क रही है ना हिंसा करने के लिए, अगर हम उनको दबा देंगे तो बाद में जब इकट्ठी हो जाएंगी, कन्फ्लिग्रेशन का रूप ले लेंगी, तो क्या होगा, जाहिर सी बात बाहर निकल के आएंगी। इसलिए उनको सुनना ज़रूरी है, उनकी समस्याओं को सुनना ज़रूरी है, उनको शॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। अब देख लीजिए सेंटेंस आपका, मुझे लिखते थोड़ा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने हाईलाइट कर दिया, अब मैं कर देता हूँ इसको एक्सप्लेन। ये कह रहा है द प्रेजेंस मतलब मौजूदगी ऑफ द मिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे है, एंड द अपील फॉर द पीस, अपील की गई है, गुजारिश की गई है, गुहार लगाई गई है कि शांति बनाए रखें, बाई किसके द्वारा, बाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, आफ्टर विजिट द ट्राइबल, जब उन्होंने क्या किया, ट्राइबल को विजिट किए, जा करके घूम के आए, द इम्फाल वैली, ठीक है, एरिया के आसपास, हैव हेल्प्ड, जो मदद करेगा इस टाइम के अंदर कंट्रोल करने में वायलेंस को, वो खुद विजिट करके आए हैं होम मिनिस्टर साहब अमित शाह, तो इस टाइम यानी कंट्रोल करने में वायलेंस को हेल्प करेगा, टू एन एक्सटेंट इवन इफ स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब कभी कभार, इंसिडेंट्स ऑफ एथनिक वायलेंस, की एथनिक वायलेंस जो उभर आते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने में उनका विजिट मददगार साबित होगा। एंड अर्सन का मतलब जो आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, ठीक है, हैव कंटिन्यू अ मंथ आफ्टर द कन्फ्लेग्रेशन इन चूरा चंदपुर, कि चूरा चंदपुर में जब बहुत ज़्यादा आग भड़क गई थी, झगड़े हो गए थे, ठीक है, फिर कभी कभी क्या हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट भी एथनिक वायलेंस हो जाते हैं।
इम्फाल एंड अदर एरिया में, ठीक है, कहाँ कहाँ बात हो रही है, इम्फाल में एंड इम्फाल के अदर एरिया में भी, लेकिन दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन इन द टर्म ऑफ द सेटिंग द कंडीशन ऑफ द पीस, अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ सेटिंग द कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन है, शर्त है पीस को बनाए रखने के लिए, वुड विच वुड जो एंटेल मतलब जरूरी है, रिटर्न टू द लूटेड आर्म, कि जितने भी आर्म हथियार वगैरह लूटे हैं, एंड स्लो, ठीक है, द स्लो एंड श्योर रिटर्न, धीरे धीरे और श्योर मतलब पक्का तरीके से रिटर्न होगा, दोज डिस्प्लेस्ड कि जो डिस्प्लेस हो गए, घर से बेघर हो गए, एंड बेटर्ड देयर होम और उनके घर टूट गए हैं, देर हैज़ बीन लिटिल प्रोग्रेस, उसमें धीरे धीरे क्या आएगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, नॉर्मल सी आएगी और वो घर वापस आएंगे, अगर लौटे हुए से जितने आर्म हैं वो सब रोकते हैं, बातचीत करने लगे और समस्या का समाधान निकालें, और अगर जो अगर क्या मतलब जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने भी विजिट किया, देख के आए सिचुएशन क्या है, अगर उनकी भी बात का थोड़ा सा भी मानते हैं, ठीक है, और मिलिट्री फोर्सेस पहले से तैनात है, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मल सी आ पाएगी जल्दी जल्दी। अब जो दूसरा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में ये बताया गया कि चीज़ें कैसे सुधारी जा सकती हैं, ठीक है, अब तक तो इन्होंने ये बताया था कैसे कैसे समस्या क्रिएट हुई, आगे देखिए, द यूनियन गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट बनाया ऑफ अ पीस कमेटी, पीस कमेटी बनाई जिसमें शामिल थे कंप्राइजिंग एमिनेंट मतलब वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड पब्लिक फिगर, ठीक है, जाने माने लोग इन द स्टेट, स्टेट में हैज हिट अ स्नैक, जो हिट करेगा स्नैक को, ठीक है, विद मैनी ऑफ देम रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन इट, लेकिन उन्होंने क्या, उनमें से जो लोग थे उन्होंने ज्वाइन करने से ही मना कर दिया, और सजेस्टिंग सलाह दे रहे थे डैट दे हैव बीन एडेड, उन्हें जोड़ा गया है कमेटी में विदाउट प्रायर कंसल्टेशन, बिना उनकी सलाह के एक कमेटी जो बनाई गई थी ताकि लोगों की समस्या का हल निकाला जा सके, ठीक है, मैटर को शांत किया जा सके, लेकिन उन्होंने कहा बोलो तुमने हमसे सलाह ही नहीं ली और हमें कमेटी में जोड़ भी दिया, क्या बात है, गजब, ठीक है। अब क्या हुआ अगला स्टेप, ठीक है, यही कहानी थी इसमें, द सक्सेस मतलब सफलता ऑफ द पीस इनिशिएटिव, जो पहल की गई है पीस के लिए, उसमें जो सफलता है रिक्वायर जरूरत है उसके लिए डेट ऑल ग्रुप इन द कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट में, ठीक है, जो भी ग्रुप हैं ऑल सभी ग्रुप आर प्रेजेंटेड, वो वहाँ पे क्या हों, उपस्थित हों, एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव, उनके रिप्रेजेंटेटिव हों विद पब्लिक स्टैंडिंग, ठीक है, पब्लिक स्टैंडिंग तौर पे, और रिकॉर्ड डेट ट्रांजेंट देयर आइडेंटिटीज, कि उनके रिकॉर्ड उनका ट्रांजेंट मतलब जो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ट्रांजेंट चलाता है, और ऐसी आइडेंटिटीज वाले लोग या रिप्रेजेंटेटिव लोग उसमें शामिल होना चाहिए ताकि ताकि मैटर को जल्दी सॉल्व किया जा सके, ठीक है, तभी सफलता मिल सकती है पीस लाने में या फिर पीस को मेंटेन करने में मणिपुर में, ठीक है। अब मैं सॉरी यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहाँ तक है, आगे देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, विड्रोवल, विड्रोवल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निकालना, ठीक है, बाहर निकालना, आगे देखिए विड्रोवल का मतलब बाहर निकालना, ऑफ क्वाइट अ फ्यू पब्लिक फिगर फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव है पहल है, ठीक है, पब्लिक फिगर अनफॉर्चुनेटली रिवील द एथनिसाइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी इन मणिपुर एंड कॉम्प्लिकेटेड पीस बिल्डिंग, कि जो बाहर निकालना या बाहर निकलना, ठीक है, क्वाइट मतलब बिल्कुल है पब्लिक फिगर, जो बाहर इनिशिएटिव लगाया गया था पीस के लिए, उसमें से वो कह रहे हैं कि हमें तुम्हें ज्वाइन क्यों कर लिया कमेटी में, बिना पूछे हमसे, हमसे कंसल्ट भी नहीं किया, अब वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये एक बड़ी अशोभनीय बात है, अनफॉर्चुनेटली मतलब अशौभाग्य की बात है, कि रिवील्स ओपन करता है एथनिसाइजेशन मतलब जातीय ऑफ सिविल सोसाइटी मतलब आम जो लोग होते हैं ना उनमें से कि निकल रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बाहर निकल रहे हैं इन मणिपुर, ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ बद दर्शाता है अनफॉर्चुनेट, ठीक है, ये चीज़ बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है पीस बिल्डिंग, यानी पीस को हम क्या करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वही और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि लोग वहाँ पर जुड़ना ही नहीं चाह रहे मैटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये बड़ी समस्या हो रही है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और ये सेंटेंस आपका ये लीजिए यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये देखिए, मोर बरिंग मतलब उससे भी चिंताजनक बात क्या है कि कुकी जो रिप्रेजेंटेटिव, कुकी जो कम्युनिटी है और उसके रिप्रेजेंटेटिव है एक्सप्रेसली विड्रॉन, वो एक्सप्रेसली स्पष्ट रूप से बाहर निकल रहे हैं देयर नेम्स या निकाल रहे हैं एज ए कमिट एज द कमेटी, जो कमेटी में इंक्लूडेड थे वो बाहर निकल रहे हैं द मणिपुर चीफ मिनिस्टर के एन बरेन सिंह वाइल मैटी सिविल सोसाइटी ग्रुप हैज रैंग अप, रैंग अप का मतलब होता है कि
किसी भी चीज़ को, पुरानी चीज़ें उसे याद दिलाना, रिकॉल करवाना, ठीक है। एंड अनवारंटेड जनरलाइजेशन ऑफ द इशू, कि बिना किसी बात के उसको जनरलाइजेशन कर रहे हैं मैटर को, एज वन रिलेटेड टू द नार्को टेररिज्म, एक ऐसा लग रहा है कि नार्को टेररिज्म से रिलेटेड है, टू विदड्रॉ फ्रॉम द कमेटी, ठीक है, और वो जो कि कमेटी से निकलना चाह रहे हैं, ये चीज़ है। यानी कि इसको जनरलाइज मत कीजिए, जैसा ही है वैसा रहने दो, जो बाहर निकलना है निकलने दो, सिंपल सी बात है। आगे मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ, लीजिए हो गया। आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, द गवर्नमेंट शुड स्टिल नॉट गिव अप, गवर्नमेंट को अभी भी नहीं गिव अप करना चाहिए, हार माननी चाहिए, ऑन द परसुएडिंग प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, मनाना चाहिए, राजी करना चाहिए, परसुएड का मतलब मनाना, राजी करना, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हैं या सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है, टू टॉक द वन अनदर, वो एक दूसरे से बात करें और समस्या का समाधान निकालें। अब गवर्नमेंट को हार नहीं मानना चाहिए, भले ही वो लोग एक दूसरे को अपने अपने नाम बाहर निकाल लें कमेटी से, ठीक है, निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, और गवर्नमेंट करेगी भी। आगे दे रखा है आपका, द फैक्ट डैट इट रिक्वायर्स, ज़रूरत है टू एजिस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू पुश द एनवलप ऑन एनी फर्दर स्टेप ऑन दिस इशू, ऑल्सो रिवील द फेलियर ऑफ द बरेन सिंह एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल पार्टीज। कहने का मतलब क्या है कि द फैक्ट डैट रिक्वायर, जिसको ज़रूरत है बचाव की, ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू पुश करने की, धकेलने की, एनवलप ऑन एनी फर्दर स्टेप, कि जो आगे आगे जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे ढकने की, ठीक है, एनवलप का मतलब ढकना होता है, ठीक है, छिपाना होता है। दिस इशू ऑल्सो रिवील्स, दर्शाता है फेल्योर बरेन सिंह एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये दर्शा रहा है कि जो कमेटी बनाई उसमें से लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो बरेन सिंह के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेकार है। इन रिटेनिंग द कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस को लाने में ऑल द पार्टीज, की जितनी भी पार्टी है उनको कॉन्फिडेंस में लेके नहीं आ पा रहे हो, आपकी कोई बात मान ही नहीं रहा है, तो बरेन सिंह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम विफल हो रहा है, ठीक है। अब मैं पूरा का पूरा सेंटेंस हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये आगे क्या कहना चाह रहा है कि इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, डेट इट इज़ टाइम, ये समय है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड रूलिंग भारतीय जनता पार्टी टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव लीडरशिप, कि किसी अल्टरनेटिव, मतलब दूसरे व्यक्ति आए लीडरशिप की, दूसरे व्यक्ति की लीडरशिप हो वहाँ पे, डेट कुड ईज द प्रोसेस ऑफ पीस बिल्डिंग, जो कि कर सके, प्रोसेस कर सके पीस बिल्डिंग को, एज मिस्टर सिंह एक्शंस, जैसे मिस्टर सिंह के जो एक्शन थे, बोथ इन द रन अप, जो चल रहे थे, इन द वायलेंस इन इट्स आफ्टरमैथ, कि उसके बाद जो हुआ वायलेंस के बाद, हैव ईदर बीन इनफेक्चुअल और शोन अप इन इनएबिलिटी गवर्नेंस इफेक्टिवली, कि ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि वहाँ पे जो बरेन की जो लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विफल है, बेकार है, कोई असर भी नहीं पड़ रहा है उस पर, वायलेंस वहाँ पे होते जा रहे हैं, उसका रिजल्ट देखिए, किसी पे वो बताना चाह रहे हैं तो कुछ भी कुछ सुन नहीं रहा है, कमेटी से लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ये सीधे सीधे इनएबिलिटी है गवर्नमेंट के, इफेक्टिवली वहाँ पे काम नहीं कर पा रही, इसलिए दूसरा पर्सन आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो रूलिंग पार्टी है उसको ये बात सोचना चाहिए कि दूसरा पर्सन कौन आएगा जो कि उसकी बात मानी जाए और प्रोसेस को ईज कर सके, आसान बना सके, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया पूरा पूरा एडिटोरियल, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।